अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। इस संबंध में डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी जिलों के कप्तानों से युवाओं के साथ संवाद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्ती करते हुए एफआईआर तक करने के निर्देश दिए। वहीं डीजीपी ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर युवाओं से शांति बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कुछ युवा साथी अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलनरत हैं, कुछ गलतफहमी का शिकार हैं, कुछ को भड़काया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया शांति बनाए रखें, कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएं, धैर्य बनाए रखें। हमारे कुछ युवा साथी देश की अग्निपथ योजना को लेकर के आंदोलनरत हैं, कुछ गलतफहमी का शिकार हैं, कुछ को भड़काया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया करके शांति बनाए रखें, कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं, धैर्य बनाए रखें और संयम से काम लें, सकारात्मक सोचें। इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि आपको आर्मी के साथ साथ दूसरी तरह की नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड ने भी घोषणा की है कि अग्निवीरों को बाद में पुलिस में, आपदा में या चार धाम यात्रा आदि में अवसर दिए जाएंगे। तो इसके संबंध में भी हम इसको पॉजिटिवली भी इसको सोच सकते हैं।